कोरोना कर्फ्यू काल में भी आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के आढ़तियों ने बताया कि फुटकर में लाल आलू 80 रुपए पसेरी तथा सफेद आलू 70 रुपए पसेरी एवं 90 रुपए पसेरी तक बिक रहा है। उन्होंने थोक रेट बताते हुए कहा कि आलू 1300 से 1400 रुपए कुंतल तथा प्याज 1600 से 1800 रुपए कुंतल तक बिक रहा है। आढ़तियों ने बताया कि आवक भरपूर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पब्लिक घर से नहीं निकल रही है, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलू प्याज के आढ़तियों ने कहा, काजू है। में आलू प्याज क्या रेट दिख रहा है? आलू लाल वाला 80 रुपये पसेरी है और क्या नाम सफ़ेद वाला 70 रुपये पसेरी, 70-75 रुपये पसेरी। आवक को लेकर क्या स्थिति है? हाँ आवक ठीक ठाक, घट के आ रही है, थोड़ा सा कमी आ रही है। ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहक भी एकदम दुकानदार एकदम बेकार है, बिक्री उठाओ ही नहीं है, एकदम उठाओ है ही नहीं है। आलू 80 रुपए बिक रहे हैं और प्याज 90 रुपए बिक रहे हैं। ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। पप्पू रेट आलू बिक रहा 1400 रुपए क्विंटल और प्याज? प्याज तो बहुत रेट बिक रहा, प्याज जैसे मान लीजिए 1000 से लगा के 1800-1900 रुपए क्विंटल। आवक को लेकर क्या चल रहा है? आवक सब ज़्यादा तो डैमेज पिया जा रही है, देखिए सब लगा हुआ फोटो की। ग्राहकों की क्या स्थिति है? बिक्री थोड़ा सुस्त चल रहा है। लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ रहा है? लॉकडाउन का तो प्रभाव है ही है, लेकिन ये कि सब्जी पे तो रोड मर रहा है, ये लोग डेली ले जा रहे हैं और बाकी और सब चीज़ पे तो बहुत प्रभाव है। अरविंद आलू क्या रेट बिक रहा है? 1300-1400 कुंटल। प्याज का रेट है आपका 1600 लेकर 1800 तक प्याज चल रही है। आवक को लेकर क्या स्थिति? हल्के में 1400। हल्के में 1400 तो पूरा राटन प्याज है। आवक बरसात की वजह से आ रहा है कि नहीं? माल माल तो आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। बिक्री बहुत हल्की है।